नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड लिक्विड गैसेस ये देखेंगे, साथ साथ इसमें फोर्थ और फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं तो डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस क्या होता है। इसके पहले वाला वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ मैटर क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, उसके बारे में उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसकी गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है, पूरा डिटेल मैंने इसके पहले वाला पार्ट में बता चुका। नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो वो आप देखे रहेंगे तो इस वीडियो को समझने में काफी आसानी होगी। खैर, मैं इस पार्ट को शुरू कर रहा हूं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहले चार्ट में मैंने प्रॉपर्टीज लिख दिया कि प्रॉपर्टीज के आधार पे मेनली ये सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इस फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप। तो शेप की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, लिक्विड का फेस इनडेफिनिट होता है और गैस का भी जो शेप होता है इनडेफिनिट होता है। मतलब सॉलिड एक पार्टिकुलर एक शेप मेंटेन करेगा, वो किसी भी एनवायरमेंट आप रख दीजिए सॉलिड का, जैसे कि एक टेबल है वो सॉलिड है, वो आप कहीं पे भी रख दीजिए उसका शेप फिक्स्ड ही होगा। ठीक है, वही अगर लिक्विड की बात करें जैसे पानी है, ठीक है, इसको आप जिस जगह पे रखेंगे उस चीज का वो शेप ले लेगा। ठीक है, तो इसका शेप इनडेफिनिट होता है, इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें गैस की, तो गैस में भी सेम लिक्विड की जैसा, इसको कहीं पे भी रखें इसका पार्टिकुलर कोई अपना शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। जैसे कोई गैस अगर रूम में है तो रूम के में पूरा फैल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई सिलेंडर में है तो सिलेंडर में रहेगा, तो जिस जगह रखेंगे तो वो कोई पार्टिकुलर उसका अपना कोई शेप नहीं होता, वो जहां रखेंगे वहां पे उसका शेप ले लेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, एक अगर आपके पास वुडन ब्लॉक है तो वो हमेशा उसी शेप में रहेगा जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करके उसको काट ना दे, उसको तोड़ ना दे, उसको चार टुकड़े में ना काट दे, तो जब तक उसको आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। ठीक है, तो अपने आप से उसका शेप नहीं बिगड़ने वाला, उसका वॉल्यूम नहीं बिगड़ने वाला, वो फिक्स्ड रहेगा। तो वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स्ड होता है। वही लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, उसको आप किसी भी कंटेनर में बदलते रह जाइए, उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अगर एक लीटर पानी है तो एक लीटर पानी को आप अगर बाल्टी में डाल लें, बोतल में रखें, ग्लास में डाल लें, कहीं पे भी डाल लें, अगर उसको आप हम काट के अगर दो अलग अलग पार्ट में ना करें, पार्टिकुलर एक साथ ही रखे रहें, कहीं पे भी है, एक लीटर पानी है उसको आधा आधा लीटर दो जगह ना करें, एक ही जगह रखे रहे और उसको कहीं कंटेनर पे कंटेनर जमीन पे फेंक दें, कहीं पे फेंक दें, कहीं पे भी रख दें, तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगा। शेप उसका चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, वही अगर गैस की बात करें तो उसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, गैस का शेप भी फिक्स्ड नहीं होता, वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता। आप रूम में रखें पूरा रूम भर जाएगा, पूरा आप सिलेंडर में रखें उस सिलेंडर को भर देगा, आप कहीं पे भी रखें उस पूरे स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेगा, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर जो पार्टिकल से बने रहते हैं, मतलब कि एटम्स मॉलिक्यूल से बने रहते हैं, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सॉलिड में, थोड़ा सॉलिड से थोड़ा कम होता है, मीडियम रेंज अब कम कह सकते हैं, लिक्विड में उसका मीडियम रेंज होता है। वहीं अगर गैस की बात करें तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस में। ओके, वहीं स्पेस बिटवीन द पार्टिकल की बात करें, जो पार्टिकल हो गए उसके बीच का स्पेस कैसा होगा, तो सबसे कम स्पेस, वेरी लेस स्पेस होगा आपका सॉलिड में। वहीं अगर बात करें कि लिक्विड में, तो उसका जो स्पेस है वो मीडियम होगा, एज कंपेरिजन टू सॉलिड थोड़ा सा स्पेस इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, वहीं अगर गैस में बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें स्पेस होगा। ओके, तो यहां पे हम समझ गए जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल है सबसे कम होगा सॉलिड में, उसके बाद नंबर आता है लिक्विड का, और उसके बाद नंबर आता है गैस पे, तो उसमें स्पेस काफी ज्यादा होगा पार्टिकल के बीच में। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की बात करें, ठीक है, तो जब आप यहीं से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उसके बीच में स्पेस भी कम है, तो मूवमेंट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों आपको याद है, एक भी याद है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप भूल गए कि पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो कैसा होगा, तो सॉलिड में पार्टिकल मूव करेंगे ही नहीं, ना के बराबर करेंगे, लेकिन ना के बराबर करेंगे। ठीक है, नेग्लिजिबल हो गया।
वहीं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बात करें लिक्विड में तो मीडियम होगा, और स्पेस है वो भी मीडियम होगा, इसलिए मूवमेंट होगा। डिपेंड करेगा कि लिक्विड कैसा है, अगर बहुत ही पतला लिक्विड है तो ज्यादा मूवमेंट होगा, बहुत थिक लिक्विड है तो वहां कम होगा, लेकिन मूवमेंट होगा, लिक्विड में मूवमेंट होता है, ठीक है, पार्टिकल्स का। और वहीं अगर गैस की बात करें तो कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन में हो तो मूव करते ही रहेंगे, उसका कोई नहीं है, आप टेम्परेचर कैसा भी रखो वो आप मूव करेगा, वो उसके जो पार्टिकल है वो जिस जगह पे भी है गैस वो उसके पार्टिकल मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका अगर आप प्रूफ चाहते हो कि पार्टिकल मूव कर रहे हो तो वही आप परफ्यूम वाला टेस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी एक कोने, रूम के कोने में भी आप परफ्यूम आप छिड़कते हो तो वो पूरा रूम में फैल जाता है, एक अगरबत्ती जलाते हो रूम के कोने में तो वो पूरा महकने लगता है, वो हर जगह फैल जाता है, इसलिए कारण क्योंकि वो रैंडम मोशन इतना ज्यादा होता है पार्टिकल का कि वो पार्टिकल जो परफ्यूम के पार्टिकल है उसको पूरा रूम में घुमा देता है, इस कारण से गैस में पार्टिकल की मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है। वहीं अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, अगर मास को हम लोग डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से तो उसको डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी सबसे अधिक सॉलिड में देखी गई है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जैसे कि आइस जो है जो कि सॉलिड है वाटर के, वाटर का स्टेट है, और वाटर का जो लिक्विड स्टेट है वाटर जो है उसके कंपैरिजन में लेस डेंस होता है, आइस का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि सॉलिड का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, लेकिन आइस का कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जनरल टर्म में देखा गया है कि जितने भी सॉलिड होंगे उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका स्टेट चेंज करके अगर हम लोग ले आते हैं लिक्विड में तो उससे कम डेंस, उसके बाद गैस में ले आते हैं तो और कम डेंसिटी, ठीक है। तो ये डेंसिटी भी बढ़ते से घटते हुए क्रम में जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस में, ठीक है। तो ये हम लोग डिफरेंस इस तीनों का समझ लिए। अब हम लोग जो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर है ये हम लोग समझते हैं। तो पहला जो फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर है प्लाज्मा स्टेट, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, स्टेट ऑफ प्लाज्मा स्टेट क्या है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, ऐसा स्टेट जहां पे मैटर का जो पार्टिकल है वो सुपर ही एक्साइटेड हो और सुपर ही एनर्जेटिक हो, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हो, उसकी जो मूवमेंट है वो गैस से कहीं ज्यादा गुना ज्यादा होगी, साथ साथ उसमें चार्जेस होंगे, वो चार्ज आपस में मूव करते रहेंगे, इसी आयोनाइज्ड जो चार्ज का जो मूवमेंट है इसी को प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सन। अगर प्लाज्मा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि सन हो गया, फ्लोरेसेंट ट्यूब, न्यून सैन ट्यूब, ये तो हो गया प्लाज्मा। तो ये आप सन पे जाके आप थोड़ी देखो, आपको अभी देखना है प्लाज्मा कैसा होता है, सॉलिड आप देख सकते हो, लिक्विड देख सकते हो, गैस देख सकते हो, प्लाज्मा कैसे देखो। प्लाज्मा देखने का सबसे अच्छा मैं अभी का अभी आपको दिखा देता हूं, मेरे पास एक मैच स्टिक है, ठीक है, इसको आप देखो, ठीक है, मैं इसको जलाता हूं, ठीक है, ये आप देखो, ये जो फ्लेम निकल रहा है ये कौन सा स्टेट है, ये सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है, प्लाज्मा स्टेट है। ये जो फ्लेम देख रहे हो, ये फ्लेम, फ्लेम की मैं बात कर रहा हूं, उसके ऊपर जो गैस निकल रहा है, तो ये जो फ्लेम हो गया ये प्लाज्मा स्टेट हो गया। तो जो पूरा सन है वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है, वो प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है। ये वेरी हाई टेम्परेचर पे ही बनता है, सबसे पहला चीज इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहेगा टेम्परेचर। अब पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं कहा जा सकता कि हाँ इतना के बाद बन जाएगा, अलग अलग चीज का अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वेरी हाई टेम्परेचर रहेगा, और इसमें जो पार्टिकल होंगे वेरी हाई रैंडम मोशन में रहेंगे और सुपर एक्साइटेड रहेंगे और बहुत तेजी से मूव करते रहेंगे। तो बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका फ्लेम हो गया, फायर हो गया, तो वो प्लाज्मा स्टेट का एग्जांपल है। साथ साथ आप प्लाज्मा देख सकते हैं जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता था, अब तो खैर देखने को कम मिलेगा, लेकिन फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसके अंदर जो जो होता है स्टेट होता है वो प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है। सन भी एग्जाम्पल हो गया। अब फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, शॉर्ट में इसको बीईसी बोलते हैं, बोस का बीई और सी, बीई और सी, बीईसी फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर है, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट में क्या हुआ, जैसे आप इसको समझने के लिए आप समझोगे पहले कि सबसे पहले तो एक सॉलिड स्टेट हो गया, उसके बाद उसको हीट करेंगे तो वो जैसा कि आप जानते हैं लिक्विड होगा, फेस्ट अभी जो चेंज ऑफ स्टेट आएगा तो उसमें बात करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड स्टेट हो गया, उसके बाद का जो स्टेट उसको हीट किए तो लिक्विड बन गया, उसको हीट करेंगे तो गैस बन जाता है, ठीक है। तो अगर गैस को ओवर हीटिंग करते चले गए तो वो प्लाज्मा स्टेट बदल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर अब इसको उल्टा चलते हैं, जैसे कि प्लाज्मा से कम ठंडा में आ गया गैस, उससे कम ठंडा में हो गया लिक्विड, उससे कम ठंडा में हो गया सॉलिड,
अब इसको भी ठंडा करते चले जाएंगे, एकदम करते जा रहे हैं, एकदम मिनिमम मिनिमम टू लेते जा रहे हैं, 0 डिग्री केल्विन तक तो नहीं पहुंचेगा, उससे थोड़ा नियर अबाउट हम लेके जा रहे हैं। और उस स्टेज में वहां पे जो डेंसिटी है उसकी बहुत हम अगर कम कर देते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी कर देते हैं, साथ साथ उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लो कर दे, तो वो जो स्टेट फॉर्म करेगा वो फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहेंगे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो नाम पड़ा वो इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम का बोस हो गया, और अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, इनका आइंस्टीन दोनों का टाइटल के नाम से, क्योंकि साथ साथ ये लोग डिस्कवर किए थे ये चीज। 1920 में तो उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो वो पार्टिकुलर स्टेज ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर है वो बना दे, 1920 उस समय तो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं, वो स्टैटिकल डाटा पे ये अनुमान लगा लिए थे कि हाँ इस तरह का स्टेज हो सकता है। लेकिन रिसेंटली कुछ सालों में 10-15 साल में काफी रिसर्च इसमें बढ़ गई, तो अब इसको रीच किया गया है, इसको देखा गया है कि इसके बना के लैबोरेटरी में इसको देखा गया है, रियल लाइफ में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसका कोई आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते, ये लैबोरेटरी में ही बनाया गया है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं दिखा भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। तो इसका बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट है इसको लैबोरेटरी में फॉर्म किया गया, ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर फॉर्म होता है, उस समय जो पार्टिकल है उसकी डेंसिटी मतलब लाखों टाइम्स एयर से डेंसिटी कम हो जाती है, इतनी कम मतलब कि वेरी फ्यू पार्टिकल कुछ रहेंगे। ये आईआईटी के कुछ जो रिसर्चर है वहां पे इसको आईआईटी के लैब में इसको बनाया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, बाकी जो फॉरेन लैब्स है वहां पे ही बनाया गया एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्योर के लिए, वैसे इसका कोई एग्जांपल नहीं है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे का जो है वह मैं इसमें डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।